नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन अग्रवाल। हम बात करेंगे आज के वीडियो में आज समाज अखबार में छपी खबरों की, किन किन खबरों को आज समाज ने प्रमुखता से छापा है, उन पर एक एक करके सिलसिलेवार बात करेंगे। हम राष्ट्रीय संस्करण मेरे हाथ में है और आज समाज ने जो पहली खबर आज बनाई है, कल हरियाणा से दो राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली थी। एक तो कृष्णलाल पवार हैं और दूसरे कार्तिक शर्मा हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। इनकी शपथ की खबर को आज समाज ने पहली खबर बनाया है, हेडर बनाया है और लिखता है आज समाज के कार्तिक शर्मा के हवाले से, मजबूती से उठाऊंगा हरियाणा की आवाज, मैं हरियाणा के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, ये कार्तिक शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कल जब राज्यसभा में शपथ ली तो ट्वीट करके कहा, हरियाणा ने जिस उद्देश्य से मुझे सांसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित किया है, उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए और हरियाणा की आवाज को मजबूती से सदन के पटल पर रखने व हरियाणा के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। इसमें एक बॉक्स भी लगाता है आज समाज, जिसमें लिखा है, कार्तिक शर्मा की तरफ से अंबाला में हर रविवार को मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। इस कैंप के जरिए सैकड़ों लोग अपना इलाज करवाते हैं, वहीं रोगियों को फ्री दवा भी वितरित की जाती है। अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज कैंप में संभव न हो तो उस रोगी को संबंधित अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाया जाता है। कैंप में आंखों की जांच भी की जाती है, साथ ही जरूरतमंद लोगों को लेंस भी लगवाए जाते हैं। तो पहली खबर हरियाणा से दो राज्यसभा सांसदों के शपथ की है और विस्तृत उसमें डिटेल है, जिसमें दोनों सांसदों के बयान, उनकी जो है सो आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, वो क्या कुछ करने वाले हैं दोनों सांसदों की तरफ से, वो है। और अगली खबर इसमें है, नेशनल हेराल्ड मामले में 10 से ज्यादा जगह ईडी ने छापामारी की थी और आप जानते हैं हाल ही में सोनिया और राहुल से भी पूछताछ की थी। ये एक बड़ी खबर है और बॉक्स में पूरा मामला अखबार ने डिटेल में छापा है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्य स्वामी ने 2012 में सबसे पहले नेशनल हेराल्ड मामले को उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तो ये डिटेल है। इसके अलावा जो तीसरी खबर आज समाज में लगी है वो अल जवाहिरी की हत्या की खबर है। अमेरिकी सेना ने अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को काबुल में ढेर किया, मारा गया आतंक का आका, बढ़िया हेडिंग के साथ फोटो लगाकर। और लिखते हैं अखबार, 21 साल बाद 9/11 का बदला लिया गया है। जो अमेरिका में हमला हुआ था ट्विंस टावर पे, आपको याद होगा, उसका बदला पूरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस बात की तस्दीक की है। और हाल ही में अल जवाहिरी ने भारत को दहलाने की धमकी दी थी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद 7 जून को अलकायदा की ओर से दिल्ली, यूपी, मुंबई और गुजरात आदि राज्यों में आत्मघाती हमले किए जाने की धमकी दी गई थी। तो ऐसे में अल जवाहिरी को काबुल में ढेर किया जाना एक बड़ी खबर है और इस खबर को अखबार ने प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा दिल्ली और केरल में मंकी पॉक्स के एक एक मामले मिलने की खबर को भी प्रमुखता से लगाया गया है। और साथ में एक फोटो है जहां आगरा में जो श्रावण महीने में कैलाश महादेव मेले का आयोजन किया गया था उसका लुत्फ उठा रहे हैं दर्शक, एक रंगीन फोटो बढ़िया खूबसूरत सी पहले पन्ने पर लगाई गई है। और इसके अलावा एक जो खबर अपनी कॉमनवेल्थ से आती है, रोजाना हम देख रहे हैं, आज समाज इसको एंकर कर रहा है खबर को, महिला लॉन बॉल्स के फाइनल में भारत ने पहली बार जीता गोल्ड। जी हाँ, देश की बेटियों ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराया। ये एक अच्छी खबर, 5 कॉलम में फोटो के साथ, जो विजेता लड़कियां हैं हमारे देश की उनके साथ वो लगाया है। और इसके अलावा अमित बॉक्स में खबर है, अमित पंघाल ने 51 केजी वेट कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने प्रतिद्वंदी वानु आतु के नामरी बेरी को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ये एक खबर इसमें एक और एड ऑन है जो बॉक्स में लगाया है। इसके अलावा एक खबर जो अच्छी है, मेक्सिको का एक परिवार भारत घूमने आया था और ट्रेन में उसका आईपॉड छूट गया और जो संबंधित अधिकारी थे ट्रेन में उन्होंने इसकी जानकारी स्टेशन प्रबंधकों को देकर अपने स्तर पर कोशिश करी और कुछ ही घंटों के बाद उनको ये आईपैड जो है सो खजुराहो में पहुंचा दिया गया। वो बड़ा इस बात से खुश हुए और उन्होंने बयान दिया, भारत के बारे में ईमानदारी का सुना था, अब सच में देख लिया। ये एक अच्छी खबर आज समाज ने लगाई है जो देश की एक अच्छी छवि बनाने के उसमें आगे बढ़ाती है देश की छवि को। और जो दूसरा पेज धर्म समाज का है, इसमें दान ही धर्म की परिणति है,
जो कोई कुछ देता है उसके बदले में उसे जरूर कुछ मिलता है। सुधांशु जी महाराज का एक बड़ा लेख है और ये अपने देश में जो दान की एक परंपरा है वो है, उसकी उसके बारे में ये एक लेख है। इसके अलावा मदन गुप्ता सपाटू जो ज्योतिर्विद हैं उनका कलम से एक आर्टिकल है, राखी 11 अगस्त को बांधें या 12 को, इस अखबार में सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है। तीसरा पेज नई दिल्ली का है जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर के केजरीवाल सरकार हरकत में आई है, इसका जिक्र है। 3 अस्पतालों में 10-10 कमरों के आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने की बात है। दिल्ली में एक और केस मिला है और दिल्ली में 3 केस हो गए हैं, इसको लेकर बड़ी स्टोरी है जो 6 कॉलम में फोटो के साथ लगाई है। कल हमने चर्चा की थी दिल्ली में शराब के ठेकों के बारे में कि अब बार भी खुल सकेंगे और ठेके भी, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद शराब की दुकानें तो खुली, 125 ठेकेदारों ने अपने लाइसेंस लौटा दिए हैं, इस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता के साथ लगाया है। और एक जो वीडियो कल वायरल हो रहा था आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिगो के विमान के नीचे एक कार पहुंच जाती है, शीर्षक लगाया है अखबार ने, तेज रफ्तार कार विमान के नीचे आकर थमी, बड़ा हादसा टला। ये एक अच्छी खबर कि टल गया हादसा, कम से कम वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब इसको देख रहे होंगे। जो अगली खबर है आज समाज की, हरियाणा का पन्ना है, पेज नंबर 4 है ये, इसमें जो पहली खबर है 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए बना कारगर दस्तावेज, इस खबर को बड़े में अखबार ने लगाया है। आप देखिए पूरे 8 कॉलम में खबर है और इसमें जिक्र है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में नए लाभार्थियों के नाम जुड़ रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा है। हर महीने लगभग 5,000 नई पेंशन बन रही है जब से परिवार पहचान पत्र बना है लोगों का। अब किसी को भी उम्र पूरी होने के बाद पेंशन के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेशन मोड में अब आ गया है मामला कि अगर आपकी उम्र 60 पार हो जाती है तो फिर आप स्वतः इसके जो हैं हिस्सेदार हो जाएंगे और आपको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिलेगा, आपका नाम उसकी सूची में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्स में एक अलग खबर है, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 28,000 लोगों का बैंकों के माध्यम से ऋण मंजूर किया गया है, ये खबर और इसमें लगाई है। और आप जानते हैं कि 8 अगस्त से हरियाणा का विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होना है, इसमें नई परंपराओं के साथ दिखेंगे बड़े बदलाव, ये एक शीर्षक आज समाज ने लगाया है। इसमें कल जो बीएसई की बैठक हुई थी उसमें 3 महत्वपूर्ण बैठक उससे पहले हो चुकी हैं और इन बैठकों में कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। ये मंगलवार को जो बैठक लगातार हुई है और कल बीएसई की भी बैठक थी परसों, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं कि 15 दिन पहले तक विधायक प्रश्न लगा सकेंगे, विधानसभा सत्र की पहली बैठक से 15 दिन पूर्व तक अपने प्रश्न लगा सकेंगे। और इसके अलावा सत्रावसान के बाद विधायकों की तरफ से मांगी गई जानकारियां 21 दिन में दी जा सकेंगी, इससे पहले यह समय सीमा 15 दिन थी। तो समय और विस्तृत किया गया है, बढ़ाया गया है ताकि सवाल जवाब पूरा हो सके। धनखड़ की एक खबर है, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, निगम व पंचायत चुनावों में कम से कम 55% वोटों का टारगेट ने कार्यकर्ता, बीजेपी हरियाणा में अभी से लग गई है, पंचायत चुनाव कब होंगे ये तो अभी भविष्य में है लेकिन तैयारियां पूरी हैं, सरकार ने चुनाव आयोग को कह रखा है कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, आप अपनी तैयारी देख लें, तो बीजेपी उसकी तैयारी में जुट गई है। और पंचायत चुनाव को लेकर ही जेजेपी ने भी 3 कमेटियां बनाई हैं और इन कमेटियों के प्रभारी प्रदेश भर का दौरा करेंगे और 15 अगस्त तक चुनाव से संबंधित रिपोर्ट पार्टी को सौंप देंगे। इसके अलावा एक और जो खबर है, कुलदीप बिश्नोई चर्चा में है, हमने लगातार इस पर बात कर रहे हैं, आज वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, कल सुबह 10:10 पे उनकी एक खबर है। और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों का कई दौरा किया है पिछले 2-3 दिनों में और उनके हवाले से खबर है, जल भराव वाले क्षेत्रों की 5 से शुरू होगी गिरदावरी, 5 अगस्त से गिरदावरी शुरू हो जाएगी। और उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर निर्देश भी दिया है अधिकारियों को कि क्षेत्रों की निगरानी करें, हिसार घग्गर ड्रेन के ओवरफ्लो से हुए जल भराव की समस्या का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने ये कहा कि पिछले 25-30 वर्षों में पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है, हिसार घग्गर ड्रेन में काफ़ी अधिक पानी है और इसके लिए जिला प्रशासन सिरसा की ओर से पूरी तैयारी की गई है, पानी की निकासी के लिए पिछले साल जहां 50 पंप सेट थे वहीं अब उनकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है।
तो एक अच्छी खबर ये भी है कि जो लोग इससे पीड़ित हैं अत्यधिक बारिश की वजह से, उनकी गिरदावरी 5 तारीख से होने लगेगी। एक और खबर, जो कार्बन क्रेडिट जैसे अहम मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो रहा है, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में एक चर्चा की है। अखबार ने शीर्षक लगाया है, प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, और इससे जो है विभिन्न हितधारकों को हरियाली व कार्बन क्रेडिट के बारे में जानकारी, उपयोग व प्रयोग मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। वहीं वन मंत्री कृष्णलाल पवार के हवाले से, कंवरपाल गुर्जर के हवाले से खबर है, पर्यावरण को स्वस्थ और जीवन लायक बनाना बहुत जरूरी है, इसके लिए कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो, ये बेहद जरूरी है। आज समाज का 5वां पन्ना पंजाब से जुड़ा हुआ है, जिसमें श्री दरबार साहिब के नजदीक सरायों में जीएसटी लगाने की जो बात थी उसको लेकर यह खबर है, बड़ी खबर लगाई है पेपर ने। जीएसटी के घेरे में लाने का फैसला वापस ले केंद्र सरकार, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र के इस फैसले से समूह संगतों, खासकर सिखों को गहरी ठेस पहुंची है, तो इसको वापस लेने की मांग उन्होंने की है। और संधवा ने, जो कुलतार सिंह संधवा स्पीकर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि दरबार साहिब के पास के सरायों को जीएसटी में घेरे के लाने की निंदा करते हुए कहा कि गुरु घर के दरवाजे समाज के हर वर्ग, हर धर्म के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। गुरु का लंगर और गुरु घरों की सराय राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से श्री दरबार साहिब अमृतसर के नजदीक सरायों पर 15% जीएसटी लगा के मुगलों की तरफ से जजिया कर वसूलने की याद ताजा करवा दी है। तो ये खबर जो है धर्म से जुड़ी हुई है, और धार्मिक स्थलों पर जीएसटी लगाने का जो फैसला है केंद्र सरकार का, उसको वापस लेने की मांग पंजाब सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा पंजाब की बेटी हरजिंदर कौर ने जो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था वो वेट लिफ्टिंग में, उनके लिए 40 लाख रुपए नगद इनाम का ऐलान भी भगवंत मान ने किया है। और इसके एक खबर है, ट्यूबवेल कनेक्शनों को रोजाना मिल रही 8 घंटे बिजली सप्लाई, हरभजन सिंह के हवाले से ये खबर दी गई है, जो पंजाब के बिजली मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने जो वादा किया था राज्य के किसानों को, धान की फसल की बुआई के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई की जा रही है, तो ये एक अच्छी खबर। और एक खबर और, स्थानीय निकाय मंत्री जो निज्जर हैं, इंद्रवीर सिंह निज्जर, उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य के 4 शहरों जालंधर, पटियाला, लुधियाना और अमृतसर के लोगों को नहरी पानी मुहैया कराएगी, जिसके लिए तेजी से गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। दरअसल वो कपूरथला में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। तो ये अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो जागरूकता के लिए भी है और समाज के लिए भी बेहद ज़रूरी है। विचार के पन्ने पर है पश्चिम बंगाल का जो मामला चल रहा है, बनर्जी उनका पार्थ चटर्जी का उसको लेकर एक लेख इसमें लगा है, जो बता रहे हैं कि अभय कुमार दुबे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका लेख है, वो कहते हैं पार्थ के घोटाले में फंसने से ममता की साख को बट्टा लगा है। इस पर पूरी डिटेल जानकारी है, आप इसको देखें। और वेद प्रताप वैदिक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका एक आर्टिकल है, शिक्षा के क्षेत्र में अब क्रांति की जरूरत बता रहे हैं। और इसके अलावा अगला पेज मेडिकली स्पीकिंग का है, जहां मानसून में तेजी से फैल रहा सर्दी जुकाम सावधान कर रहा है अखबार अपने पाठकों को, दर्शकों को, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो इसको देखें और सावधान रहें। अखबार के सब हेडर है इसमें, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी होता है सर्दी और जुकाम, तो बचाव कैसे करना है, मच्छरों से कैसे बचाव करना है, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। और एक आर्टिकल है कि रोगों से लड़ता है और बीमारियों से बचाता है आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, एक ही आर्टिकल। और एक आर्टिकल खास तौर से महिलाओं के लिए है, बालों की समस्याओं से कैसे छुटकारा दिलाता है कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल का प्रयोग आपके बालों को कैसे मजबूत करता है, इस बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। और जो 8वां पन्ना है ये देश का पन्ना है, इसमें देश भर की तमाम खबरें हैं, जिसमें एक खबर मध्य प्रदेश से है। पहली खबर, शिवराज सरकार का नया गौसेवा फार्मूला है, देसी गाय पालें, 900 रुपया महीना सरकार से लें। ये एक बड़ी पहल है कि देसी गाय पालने पर सरकार आपको 900 रुपये महीना दे रही है, ऐसा भोपाल से ये खबर, प्रभु पटेरिया जो हमारे वहाँ ब्यूरो चीफ हैं उनके कलम से ये खबर है। और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं खाद भी बेचें, और ये 5200 गाँव में प्राकृतिक खेती शुरू होगी इसकी जानकारी है, और एक किसान को साल भर में 10,800 रुपये मिलेंगे।
बॉक्स में एक अलग इसकी डिटेलिंग दी है, शिवराज सरकार ने बनाई थी गो कैबिनेट। गोपालन को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने एक गो कैबिनेट का बनाने का फैसला किया था। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि सरकारी भवनों में गोमूत्र से बने फिनाइल का उपयोग किया जाए और जैविक खाद बनाने के लिए गोबर खरीदा जाए। इसका उद्देश्य आश्रमों में आश्रयों, जो गायों के लिए आश्रय होते हैं वहाँ पे गायों की देखभाल के लिए राजस्व एकत्र करने का उद्देश्य था कि ये जो गोमूत्र और गोबर से जो भी बनेगा इस्तेमाल में आने वाला सामान, उससे जो राजस्व मिलेगा तो उससे गायों की देखभाल के लिए ही राजस्व मिल सकेगा। ये है। और एक और खबर है जहाँ नई तबादला नीति मंजूर हुई है स्कूल शिक्षा विभाग में, और अब वहाँ मंत्री विधायक के पीए नहीं बन पाएंगे शिक्षक, ये एक खबर है। और एक बड़ी खबर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या मंदिर तक रास्ता बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, एक बड़ी पहल इसको माना जा सकता है। अगर आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन किया है, वहाँ गए हों, तो वो आपको लुभाने वाला एक कॉरिडोर है। और उसी तर्ज पर अयोध्या राम मंदिर तक का रास्ता योगी सरकार बनाएगी और इस पर 797 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ाने को भी यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल से एक और खबर इस पन्ने पर है, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर महिला ने चप्पल फेंकी है, बोल रही है कि ये जनता का धन लूट रहे हैं। जिस तरीके से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, आपने देखा है स्क्रीन पे, टीवी पे खबर चलती हुई, और आपने इस खबर को नोटिस कर रहे होंगे। जो अर्पिता है उन्होंने साफ बता दिया था कि ये पैसा पूर्व मंत्री का है। तो ये एक आम महिला का गुस्सा है जो पार्थ चटर्जी पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह खबर अखबार ने प्रमुखता के साथ लगाई है, महिला की फोटो भी है और पार्थ चटर्जी की फोटो के साथ। वहीं झारखंड विधानसभा में भाजपा के 4 विधायकों को निलंबित किए जाने की खबर भी प्रमुखता से छपाई छापी गई है। उसमें हंगामे के बाद स्पीकर ने यह कदम उठाया है। और एक खबर ये, और नीचे जो कॉलम एक अजीत मंदोला जी का होता है, जिसमें पंचकुला चिंतन शिविर के बाद जो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल है, वो लिखते हैं, पंचकुला चिंतन शिविर ने साफ किया, हरियाणा में कांग्रेस का मतलब सिर्फ हुड्डा है। पूरी विस्तार से विवेक बंसल, सोनिया क्या नाम है, कुमारी शैलजा और जो किरण चौधरी, इन तमाम नेताओं का जो एक कांग्रेस का जो गुट कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, उसकी विस्तृत जानकारी इसमें दी है कि कैसे उदय भान जो है सो अध्यक्ष बनते हैं, आलाकमान कैसे हुड्डा साहब के सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई देता है। ये एक प्रमुखता से खबर है। और विदेश के पन्ने पर उस खबर को और विस्तार दिया गया है जो पहले पन्ने पर अल जवाहिर की खबर हमने बताई आपको। अमेरिका का 9/11 आतंकी हमले का जवाब, बाइडन बोले हमारे लोगों के लिए जो भी खतरा बनेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पूर्व करीब करीब पन्ने का 60% हिस्सा इसी खबर को समर्पित है। इसमें पूरी डिटेल आज समाज ने लगाई है कि कैसे अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया, कैसे उसका टारगेट उसको अचीव किया गया और किन माध्यमों से उसकी जानकारी अमेरिका को मिली थी और कैसे उसको अंजाम तक इन्होंने पहुंचाया है। और इधर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार एक खबर लगी है कि यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा से अनाज लेकर जहाज रवाना। ये पिछले 150 दिनों से जो लड़ाई चल रही है उसके बाद ये पहली मूवमेंट है जो अनाज लेकर जहाज गया है। ये एक इससे दुनिया में अनाज आपूर्ति के लिए रास्ता खुलेगा और अनाज की जो कीमतें बढ़ रही हैं पूरी दुनिया भर में, उससे राहत मिलने की उम्मीद इसमें जताई गई है इस खबर में। अगला पेज अखबार का पूरी तरह से राष्ट्रमंडल खेलों को समर्पित है, जिसमें भारत ने टेबल टेनिस में 5वां गोल्ड जीता है। कुल अब तक 5 गोल्ड हो चुके हैं भारत के, उसका जिक्र है। बिल्कुल जैसा रोज आ रहा है आज समाज का ये पन्ना, खेल वाला जो राष्ट्रमंडल खेलों को ही समर्पित है करीब करीब। इसके लिए कई खबरें इसमें लगी हैं। भारत के मुरली और अनीस ने लंबी कूद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ये एक अच्छी खबर है। और हरमीत ने दिलाया गोल्ड, एक खबर ये है। तो अब तक कुल 12 मेडल आ गए हैं अखबार के हवाले से, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर और 3 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा कुशाग्र रावत अद्वैत ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है तैराकी में, ये एक और अच्छी खबर है। और जो महिलाओं ने गोल्ड जीता है उसको बड़ा स्पेस अखबार ने दिया है। जो लॉन बॉल्स में
महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, 17-10 से जीत करके जो गोल्ड मेडल डाला है, इस खबर को अखबार ने प्रमुखता से स्थान दिया है। और बॉक्स में और दूसरे खेलों के बारे में जो अपडेट्स हैं उसकी जानकारी दी गई है। 11वां पन्ना बिजनेस का है, और बिजनेस पर फिर बात है, राज्यसभा में सीतारमण का बयान था, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि महंगाई बढ़ी। वित्त मंत्री सीतारमण के हवाले से बयान है, और उन्होंने कहा है कि महंगाई दर फिलहाल 7% है। उन्होंने कहा कि हम भाग नहीं रहे, हमारी महंगाई दर का एक बैंड रहता है, महंगाई दर 7% पर है। सरकार और RBI कोशिश कर रहे हैं कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। उन्होंने बताया कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और इसी वजह से हमारी हालत श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी नहीं हो सकती है। हम अपने लेवल पे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर है जो कर्मचारियों के लिए है, इंडिगो ने अपने पायलटों की सैलरी बढ़ा दी है, कोविड से पहले के लेवल के बराबर सैलरी करने का ऐलान किया गया है। ये एक सकारात्मक और अच्छी खबर है, जिसमें इंडिगो ने कम पैसेंजर ट्रैफिक की वजह से पायलटों की सैलरी में करीब करीब 28% की कटौती की थी, अब वो सैलरी बराबर हो जाएगी। एक खबर यह है, अदानी ने औद्योगिक 5G क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसकी एक जानकारी दी गई है। और बैंक ऑफ इंडिया का 22% का प्रॉफिट जो है 22% घटकर 561 करोड़ हुआ है, इसकी एक जानकारी है। और पाकिस्तान में महंगाई दर 1 दशक के उच्चतम स्तर पर है, ये एक खबर लगाई हुई है, जहां एक सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपये और 1 लीटर पेट्रोल के लिए 227 रुपये प्रति लीटर से लेकर 230 रुपये प्रति लीटर तक चुकाने पड़ रहे हैं। ये भी खबर एक अच्छी लगाई गई है। और आखिरी पन्ने पे मनोरंजन की खबरें हैं, जिसमें ईशा गुप्ता का एक फोटो लगाया है अखबार ने, जिसमें बैकलेस ड्रेस बोल्ड अंदाज उसकी वो खबर लगी है। हिना खान की एक खबर है कि उनके अरेबियन लुक ने फैंस का दिल चुरा लिया है। मनोरंजन की और तमाम खबरें आप आज समाज की के अखबार को देख सकते हैं, और अगर चाहें तो आज समाज की वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं, aajsamaj.com पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।